हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। इसी महीने होने वाला है शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो क्या है न्यूज़, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो जो जो शाहरुख खान के फैंस हैं, इस वीडियो को जल्द से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बॉलीवुड से टॉलीवुड से जुड़ी अपडेट और शाहरुख खान से जुड़ी हर न्यूज़ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2018 में दिसंबर के महीने में शाहरुख खान की लास्ट फिल्म रिलीज हुआ था जीरो। उसके बाद से शाहरुख खान की कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुआ। शाहरुख खान ने अभी तक अपनी नेक्स्ट फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं किया। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं न्यूज के बारे में कि न्यूज में क्या बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स पहले न्यूज आया था कि शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म का शूटिंग 2020 में अगस्त के महीने में स्टार्ट होने वाला। ऐसा न्यूज आया था कि 2020 में अगस्त के महीने में शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म का शूटिंग स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब जो जूम ने एक रिपोर्ट दिया है, तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म का शूटिंग मार्च के महीने से या अप्रैल के महीने से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट में शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म का शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि शाहरुख खान ने कहा था कि वो जब फिल्म के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे, मतलब जब शाहरुख खान फिल्म का शूटिंग स्टार्ट करेंगे, तभी वो अपनी नेक्स्ट फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर जूम की रिपोर्ट की माने, अगर शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म का शूटिंग मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फास्ट में होता है, तो अगले एक महीने के अंदर शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म राजकुमार हिरानी के साथ होता है, तो इसका यह मतलब भी नहीं होता कि वो एटली कुमार राजन डीके का फिल्म छोड़ दिया है। ऐसा हो सकता है कि शाहरुख खान का लाइनअप है पहले राजकुमार हिरानी, उसके बाद एटली कुमार या राजन डीके या यशराज फिल्म्स के साथ सिद्धार्थ आनंद की फिल्म या आलिया अब्बा जफर के साथ फिल्म, यह लाइनअप हो सकता है अगर शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म राजकुमार हिरानी के साथ होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, क्या लाइनअप होता है, तो आगे वक्त आने पर पता चली जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। इस वीडियो में बस इतना ही।